Hi friends, welcome to the desk. Deva English as spoken class. Friends, how are you? Well na? Friends, पिछली क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था, उम्मीद करता हूँ कि आपने बनाया होगा और अभी आप उससे टैली कर लो. ओके फ्रेंड्स, सो अभी स्क्रीन पे आएगा पूरा लिखा हुआ, टाइप किया हुआ, उससे आप अपना बनाया हुआ होमवर्क चेक कर लेना. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं. आपने अगर बनाया है तो इससे आप अच्छी तरह से टैली कर लो, या तो वीडियो को पॉज करके कर लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से बाद में भी आप टैली कर सकते हो. ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि इज आर एम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं. ओके फ्रेंड्स, किसके साथ इज लगाते हैं, किसके साथ आर लगाते हैं, किसके साथ एम लगाते हैं. आज पढ़ाऊंगा आपको कि जब सेंटेंस में शुरुआत में उसका, उसकी, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी रहे, तो उस वैसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं. हालांकि है ये बहुत आसान, फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स बनाने में गलतियाँ कर देते हैं, उनको समझने में थोड़ा देर लगता है. ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं. तो ये है उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारे, हमारे, उन लोगों का, उन लोगों के, उन लोगों की, ऐसा भी आ सकता है. तो वैसा अगर शुरुआत में हो, सेंटेंस के शुरू में हो, तो वैसे सेंटेंस को हम बनाते वक्त सबसे पहले ये देखेंगे, सेंटेंस के शुरुआत में इनमें से कोई भी अगर हो तो उसके साथ वाला, जस्ट साथ, उसके बाद जो आता है उसको हम साथ में ही लिखेंगे इंग्लिश में भी. जैसे उसका भाई है, तो उसका भाई है तो हीज ब्रदर पहले लिखेंगे, उसके बाद ही जो भी आएगा इज आर एम, उनमें से कोई हम एक लगाएंगे. तो हीज ब्रदर, इसमें एक की बात कर रहे हैं हम, तो हीज लगेगा. उसका भाई क्या है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर लिख देंगे. ओके फ्रेंड्स, हीज ब्रदर इज डॉक्टर. कई स्टूडेंट्स ऐसा बनाते हैं कि हीज इज ब्रदर डॉक्टर, यानी कि हीज के बाद ही इज लगाते हैं वो. ओके फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा नहीं होगा. जब भी कभी भी, बस इतने ही आपको याद रखना है कि इनमें से कोई भी अगर सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो उसके बाद वाला जो है उसको हम साथ में लिखेंगे, फिर उसके बाद ही इज आर एम लगाएंगे. अभी उसकी माँ नाराज़ है, उसकी माँ, तो हम या तो हर लिख सकते हैं या हीज लिख सकते हैं. हर कब लिखेंगे, जब हम किसी लड़की को दिखा के बोल रहे हैं कि उसकी माँ बीमार है, लड़की को दिखा के, तो हर लिखेंगे. अगर किसी लड़के को दिखा के बोल रहे हैं कि उसकी माँ बीमार है, तो हीज लिखेंगे कि हीज मदर. ओके फ्रेंड्स, तो हर मदर इज, तुम्हारा घर बड़ा है, तो तुम्हारा घर, तुम्हारा और घर साथ में आ रहा है, तुम्हारा के बाद घर आ रहा है, तो योर हाउस लिखेंगे. Your house is big. अब ये तुम्हारी बहन, तो तुम्हारी के बाद आ रहा है बहन, तो बहन साथ में लिखेंगे. Your sister is, क्या है, खड़ूस है, तो खड़ूस का रूट बोलते हैं, रूट. ओके फ्रेंड्स, उसके चाचा गरीब हैं, तो उसके के बाद क्या आ रहा है, चाचा आ रहा है, तो चाचा साथ में हम लिखेंगे. His uncle, his uncle. ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना, हीज के बाद हीज आ रहे मत लगा देना, हीज अंकल आएगा, फिर हीज अंकल के बाद हीज आएगा. क्या है, गरीब है, पुअर. उसकी बाइक नई है, उसकी बाइक, तो हीज बाइक, हीज बाइक इज न्यू. ओके फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है. अब आप ये मत सोचना है कि इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें इज ही लगता है. अगर बहुवचन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम आर भी लगा सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, आर भी लगाएंगे, बट यहाँ पर सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन की बात हो रही है, एक ही की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर सब में इज लगा रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, हमारा घर छोटा है, तो हमारा घर, यानी कि आवर हाउस इज स्मॉल. मेरे दोस्त लोग अनपढ़ है, अभी यहाँ पर देखो, मेरे दोस्त लोग, माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर लगेगा. आर अनपढ़ मतलब अनएडुकेटेड, अनएडुकेटेड भी बोल सकते हैं, और या इलिटरेट भी बोल सकते हैं, इलिटरेट. ओके, तो इस तरीके से हम उसका, उसकी, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, उनका, उनकी, उनके, इस तरह का अगर सेंटेंस के शुरुआत में आता है तो हम वैसे सेंटेंसेस को ऐसे बनाते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो हम इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं बोलने की. ओके फ्रेंड्स, तो साथ साथ में आप भी बोलना, मैं जब हिंदी बोलूँगा तो उसका आप इंग्लिश बनाने की कोशिश करना. ओके, उसका भाई गायक है,
क्या होगा? हिज ब्रदर इज सिंगर, उसकी बहन नर्तकी है, नर्तकी मतलब डांसर, उसकी बहन डांसर है, तो हिज सिस्टर इज डांसर। उसके चाचा वकील हैं, उसके चाचा, हिज अंकल इज एडवोकेट, उसके पिताजी नाराज हैं, हिज फादर इज एंग्री। तुम्हारी किताब फटी है, योर बुक इज टॉर्न, फटी के लिए टॉर्न बोलते हैं, टीयर मतलब फाड़ना होता है, उसका थर्ड फॉर्म होता है टॉर्न, तो योर बुक इज टॉर्न। उसकी कुर्सी टूटी है, तो उसकी कुर्सी, हिज चेयर इज ब्रोकन। उसका घर बहुत सुंदर है, हिज हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। उसकी दुकान बहुत बड़ी है, हिज शॉप इज वेरी बिग। उसकी गाय काली है, हिज काउ इज ब्लैक। तुम्हारा कुत्ता पागल है, योर डॉग इज मैड। हमारी बिल्ली, यानी हमारी बिल्ली मतलब हम दो चार भाई हैं तो हम हमारी बोल सकते हैं, हमारी बिल्ली काली है, और कैट इज ब्लैक। उसकी बिल्ली बहुत फुर्तीली है, हिज कैट इज वेरी एक्टिव। तुम्हारी पेन हरी है, योर पेन इज ग्रीन। तुम्हारे दोस्त लोग बदमाश हैं, योर फ्रेंड्स आर स्काउंडरल। उसका गांव बहुत सुंदर है, हिज विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस, अभी मैं लास्ट में और भी सारे सेंटेंसेस दूंगा आपको घर पर बनाने के लिए, आप उसको ज़रूर बनाओ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा YouTube पर शायद ही आपने कभी देखा होगा कि इस तरह से पढ़ाए और होमवर्क भी दे और होमवर्क को चेक भी करें, मीन्स उसका आंसर भी बताएं। इस तरह से क्या होगा कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी अभी आपने हमारा YouTube चैनल खोला है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लिखना पढ़ना बोलना, तो हमारे चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, कोई नज़दीकी हैं, कोई जान पहचान के हैं, तो और उनको इंग्लिश नहीं आती है, उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को उन तक शेयर भी किया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले और वो भी इंग्लिश सीख सके। ओके फ्रेंड्स। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।